हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टोरी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, डेली की तरह बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज लेके आ गई हूँ। आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं एंड दोस्तों मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, जिससे आप इस तरह के क्वेश्चंस हल करेंगे तो परीक्षा में आपको आसानी होगी। एंड आप अपना स्कोर चेक कीजिए, कितना आपका स्कोर आता है और कितना कहाँ कहाँ कमी है, किस टॉपिक में कमी है, सबको सुधारिए। फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपी टीजीटी हो, यूपी एलटी ग्रेड हो, एमपी टेट हो, एमपी सुपर टेट वर्क 2-3 हो, चाहे ईएमआरएस हो, चाहे बिहार या स्टेट हो, किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर सभी प्रकार की वीडियो अवेलेबल है। थ्योरी सेशन डिटेल में बताया गया है टॉपिक वाइज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस एंड ऑनलाइन क्वेश्चंस, सभी चीज़ें अवेलेबल है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, चेकआउट कीजिए और प्रिपरेशन कीजिए। सभी चीज़ें फ्री में अवेलेबल हैं एंड दोस्तों डेली बेसिस में आपको प्रैक्टिस कराती रहती हूँ। तो समय नष्ट न करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि समय ही आपका समय, एक एक समय के एक एक सेकेंड का महत्व तो समझना चाहिए, क्योंकि बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यानी कि इन चारों में से विषम कौन है। तो दोस्तों मायोपिया, जिसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं, एंड शॉर्ट साइटनेस, ये भी निकट दृष्टि दोष से संबंधित है। कॉनकेव लेंस, यानी कि निकट दृष्टि दोष में कॉनकेव यानी अवतल लेंस का प्रयोग होता है। तो ये तीनों के तीनों आपका मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष से रिलेटेड हैं। बट ऑप्शन नंबर ख जो है कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस जो है हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष से संबंधित हैं, और सभी तीनों ऑप्शन आपका निकट दृष्टि दोष से संबंधित हैं। तो दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस का प्रयोग होता है जो चश्मा होता है, एंड निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहते हैं, इसमें कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, लेंथ ऑफ नेल्स फॉर 100 मीटर रेस, यानी कि 100 मीटर रेस में लेंस की जो लंबाई होती है कितनी होती है, तो 0.9 सेंटीमीटर होती है ओनली, ठीक है। एंड दोस्तों नेक्स्ट है, ट्रिप ऑन अपोनेंट रिलेटेड विद, यानी कि अपोनेंट पर ट्रिप करना किससे रिलेटेड है। तो दोस्तों यह है फुटबॉल से रिलेटेड। एंड नेक्स्ट है कि सिलारो हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर सीटेड, यानी कि सिलारो हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे केंद्रित है। तो यह है दोस्तों HP, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, नंबर ऑफ पल्मोनरी वेन्स आर, तो पल्मोनरी वेन्स कितनी होती हैं, तो राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ दो दो होती हैं। पल्मोनरी वेन्स यानी पल्मोनरी शिराएं क्या करती हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि जो पल्मोनरी धमनी होती है वह अशुद्ध रक्त को दाएं अलिंद से फेफड़ों में ले जाती है शुद्ध करने के लिए। वहाँ से शुद्ध होकर के पल्मोनरी वेन्स यानी कि पल्मोनरी शिरा के माध्यम से, दो चार पल्मोनरी शिराएं होती हैं उनके माध्यम से शुद्ध रक्त बाएं अलिंद में आता है, बाएं अलिंद से बाएं निलय में, बाएं निलय से एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी में, और महाधमनी से समस्त शरीर को भेज दिया जाता है। तो कितने होते हैं, चार होते हैं। नेक्स्ट है, राइट द नेम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड विच डिस्पायर फॉर्म बॉडी आफ्टर सम ईयर्स, यानी कि उस एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतः स्रावी ग्रंथि का नाम बताइए जो कुछ साल बाद डिस्पायर यानी कि गायब हो जाती है। तो वह होता है आपका थाइमस ग्लैंड, याद रखिएगा। एंड दोस्तों नेक्स्ट है, फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यानी चारों में से कौन सा विषम है। तो यहाँ पे आपको देखना है कैरोट यानी गाजर, पम्पकिन यानी कि कद्दू, एंड ऑरेंज
ये सभी में आपका विटामिन्स पाया जाता है, विटामिन ए। बट पोटैटो यानी आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे पोटैटो इज ऑड यानी कि विषम है। एंड नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड यानी कि इन चारों में से विषम कौन है। हमारे दांत जो है चार प्रकार के होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोरल, मोरल। इसमें से हमारा इंसीजर जो है ऊपर 16 नीचे 16 यानी कि 4 2 4 6, ऊपर जो है 4 2 4 6, ऐसे याद कर लीजिए। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोरल, मोरल, 4 2 4 6 यानी इंसीजर ऊपर 4 नीचे 4, कुल मिलाकर के 8 हो जाएगा। तो ये आपका सही है। एंड केनाइन जो है ऊपर 2 नीचे 2 यानी कुल मिलाकर के 4 होगा, ये भी सही है। एंड प्रीमोरल जो है ऊपर 4 नीचे 4, कुल मिलाकर के 8 होगा, इसलिए यह गलत है। ठीक है, यहाँ पे 4 दिया है। एंड जो मोरल है ऊपर 6 नीचे 6, दोनों मिलाकर के 6 होगा, मोरल यहाँ पे सही है। बट कौन है विषम? आपका प्रीमोरल 4 आपका विषम है। एंड नेक्स्ट है, फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड। यहाँ पे आपको देखना है कि कौन ऑड है, एपेक्स, टाइम ऑफ एसेंट, पैराबोला। ये सभी आपका ट्रेजेट्री यानी कि से संबंधित है। बट यहाँ पे स्कूप जो है आपका अलग है। स्कूप का संबंध हॉकी से है, किससे है? हॉकी से है। अब बाकी का संबंध थ्रोइंग इवेंट से है। दोस्तों स्कूप क्या होता है? बाल को हवा में उठाकर मारना, हॉकी में स्कूप बोला जाता है। एंड एपेक्स जो होता है वो थ्रोइंग इवेंट में फेंकी गई वस्तु का उच्चतम बिंदु होता है, जहाँ पे उच्चतम बिंदु पर होता है। एंड पैराबोला क्या होता है? थ्रोइंग इवेंट में फेंकी गई वस्तु के द्वारा तय किया गया जो रास्ते का आकार होता है वो होता है पैराबोला। जैसे ए हो गया आपका पैराबोला। एंड टाइम ऑफ एसेंट यानी कि फेंकी गई वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुँचने में लगने वाला जो समय होता है उसे एसेंट टाइम कहते हैं। एंड डिसेंट टाइम किसे कहते हैं? फेंकी गई वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु से नीचे आने में लगने वाला समय डिसेंट टाइम कहलाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड। यहाँ पे ऑड कौन है, विषम कौन है? यहाँ पे 40 × 20 मीटर जो है हैंडबॉल का ग्राउंड की लंबाई चौड़ाई होता है। हैंडबॉल के ग्राउंड की लंबाई चौड़ाई कितना होता है? 40 × 20। एंड यहाँ पे ख है 100 × 60 यार्ड यानी गज, आपका हॉकी के ग्राउंड का लंबाई चौड़ाई होता है। एंड 18 × 9 वॉलीबॉल के मैदान की माप होती है। बट 200 × 80 किसी भी मैदान की माप नहीं होती है, इसलिए यह विषम है। एंड नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज आर यानी कि यहाँ पे दिया है दोस्तों मीनिंग आर्कनायड, ड्यूरामीटर, पायामीटर। जैसे कि दोस्तों हमारा जो ब्रेन होता है वो 3 परत से ढका होता है। सबसे ऊपरी परत को ड्यूरामीटर, मध्य परत को आर्कनायड एंड सबसे निचले परत को पायामीटर कहते हैं, जिसके नीचे मस्तिष्क होता है और इसे मेनिनजाइटिस झिल्ली कहते हैं। ये 3 परत वाली होती है, ड्यूरामीटर, आर्कनायड, पायामीटर। तो ये आपका किससे संबंधित है? ब्रेन के परतों से संबंधित है ये तीनों के तीनों। जबकि मेनिनजाइटिस जो होता है यह एक मस्तिष्क की झिल्ली, जब कोई विकार हो जाती है मेनिनजेज में तो वो मेनिनजाइटिस रोग हो जाता है। ये मेनिनजाइटिस रोग से रिलेटेड है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इन चारों में से ऑड कौन है? यहाँ पे आपको देखना है यहाँ पे कौन सा ऑड है। यहाँ पे आपका ऑड है रियो डी जेनेरियो, क्योंकि रियो डी जेनेरियो में किसी भी खेल का मुख्यालय नहीं है। इसके अलावा आपका इस्लामाबाद टेम्प्रोरी, ये आपका इस्लामाबाद जो है सैग यानी कि साउथ एशियन गेम का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है। एंड लंदन आपका है CWG यानी कि कॉमनवेल्थ गेम का मुख्यालय। एंड कुवैत सिटी जो है वह OCA यानी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का मुख्यालय है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे कौन अलग है। यहाँ पे आपको देखना है दोस्तों कि हमारा जो प्लेन होता है अच्छा होता है वो कितने प्रकार का होता है।
तो जो प्लेन होता है, तल होता है, वो तीन प्रकार का होता है, सेजिटल, फ्रंटल, हॉरिजॉन्टल। तो सेजिटल को लेटरल, मीडियल दोनों नाम से पुकारते हैं, एंड फ्रंटल को इंटीरियर, पोस्टीरियर या क्रोनल नाम से पुकारते हैं, एंड हॉरिजॉन्टल को ट्रांसवर्स प्लेन कहते हैं। तो यहाँ पे आपका मीडियल एंड लेटरल एंड सेजिटल, ये तीनों एक ही का नाम है, एंड एंटीरियर पोस्टीरियर जो है आपका फ्रंटल प्लेन का नाम है, उपनाम है, इसलिए आपका ख अलग होगा। दोस्तों जो सेजिटल प्लेन होता है शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटता है और गति आगे पीछे होती है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट। एंड जो फ्रंटल प्लेन होता है जिसे क्रोनल या एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन कहते हैं, यह शरीर को आगे पीछे बांटता है और गति दाएं बाएं होती है, जैसे एब्डक्शन एडक्शन मूवमेंट। एंड जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है वह शरीर को ऊपर नीचे भागों में बांटता है और इसमें सभी रोटेटरी एलिवेशन मूवमेंट यानी घूर्णीय और चक्रीय मूवमेंट होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यानी चारों में से अलग कौन है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से पढ़ना होगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा, जैसे कि राइट पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट। यहाँ पे एनाटॉमिकल पोजीशन की बात हो रही है, एनाटॉमिकल स्थिति जो पोजीशन होता है, तो राइट पार्ट लेफ्ट पार्ट ये राइट है, एंड राइट लेटरल एंड लेफ्ट लेटरल एंड सिंस्टर्न एंड डेक्स्टर ये राइट है, बट आपका राइट इंटीरियर एंड लेफ्ट पोस्टीरियर आपका ये फिट नहीं बैठता है, ये अंकित नहीं करता है एनाटॉमिकल स्थिति को। एंड नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, इन चारों में से अलग कौन है, विषम कौन है। तो यहाँ पे आपको देखना है कौन सा अलग है, तो यहाँ पे आपका अलग है मल्टीप्लियर, ठीक है, आप फोर्स, यहाँ पे अलग है फोर्स मल्टीप्लियर, ये विषम है, बाकी स्पीड मल्टीप्लियर के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे ख स्पीड मल्टीप्लियर, एंड ग है आपका फर्स्ट क्लास लीवर इन विच एक्सिस शिफ्ट टुवर्ड्स फोर्स, यानी कि जो फर्स्ट क्लास का लीवर होता है, उत्तोलक होता है, उसमें बीच में कौन सा होता है एक्सिस, एक्सिस जो है रेसिस्टेंस एंड फोर्स के बीच में होता है। यदि हम एक्सिस को फोर्स की तरफ खिसका देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, तो वह स्पीड बढ़ा देगा। एंड सीजर, ये तीनों के तीनों स्पीड से रिलेटेड हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यानी चारों में से कौन विषम है, यहाँ पे आपको देखना है। तो यहाँ पे आपको पेरिस आपका विषम है, उसके अलावा लंदन 1948 में लंदन में ही हुआ था, एंड सिंथेटिक ट्रैक जो है, स्टार्टिंग ब्लॉक जो है, जो 100 मीटर स्प्रिंट दौड़ में स्टार्टिंग ब्लॉक का प्रयोग होता है, उसका प्रयोग 1948 में ही लंदन में ही शुरू हुआ, ठीक है। तो पेरिस विषम है, बाकी का संबंध लंदन ओलंपिक से है। नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे ऑड कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चंस मिस्टेक दे दिया है, यहाँ पे ऑड, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फॉसबरी फ्लॉप जो है हाई जंप की टेक्निक है, फॉसबरी फ्लॉप, जैसे कि हाई जंप में सीजर्स स्टाइल, वेस्टर्न रोल, स्ट्रेडल रोल, फॉसबरी फ्लॉप, ये सारे टेक्निक हैं। एंड यहाँ पे पेरी ओब्रायन जो है वह शॉर्ट पुट यानी गोला फेंक का टेक्निक है, यानी शॉर्ट पुट के अंतर्गत ऑर्थोडॉक्स स्टाइल पेरी ओब्रायन एक पुराने तकनीक है, एंड डिस्को पट नया तकनीक है। एंड यहाँ पे हिच किक जो है वह लॉन्ग जंप की टेक्निक है, एंड टेक ऑफ भी लॉन्ग जंप की टेक्निक है। तो यहाँ पे विषम कौन है, तो यहाँ पे विषम एक करना मुश्किल है, क्योंकि फॉसबरी फ्लॉप हाई जंप से है, पेरी ओब्रायन शॉर्ट पुट से है, हिच किक टेक ऑफ लॉन्ग जंप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे आपको राइबोसोम जो प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है, प्रोटीन का को बनाता है एंड प्रोटीन का संश्लेषण करता है,
और आरएनए भी प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो यहाँ पे अलग कौन हो जाएगा, एमआरएनए कौन हो जाएगा, एमआरएनए आपका अलग हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे कौन सा अलग है, तो यहाँ पे डबल, यहाँ पे आपका मैट, लैंडिंग पिट, प्लेटफॉर्म, ये तीनों का संबंध जिम्नास्टिक से है और डबल बॉक्स का नहीं है। एंड नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे कौन आपका अलग है, तो सार्कोप्लाज्म जो है मांसपेशी तंतु जो है जिसे घिरा रहता है जालिका से, उसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं। एंड जेड लाइन जो है जिसमें एक्टिन और मायोसिन होता है, एक्टिन की ही परत दोनों तरफ एक लाइन बना देती है, एक रेखा बना देती है जिसके बीच में एक्टिन और मायोसिन होता है, जिसे जेड लाइन कहते हैं, ये मांसपेशी से ही संबंधित है। एंड प्रोटोप्लाज्म जिसमें एक द्रव्य भरा रहता है, ये भी संबंधित है। एंड यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग जो है एफ्रिएंट आर्टिकल, ये आपका आर्टियोलिस यानी कि यह किडनी से संबंधित है, ठीक है, किडनी से संबंधित है इसलिए अलग है। एंड नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे कौन आपका अलग है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे पिकनिक जो एंडोमॉर्फिक को प्रदर्शित करता है गोलकाय शरीर को, एंड बिस्रोटोनिया ये भी एंडोमॉर्फिक, तो बिस्रोटोनिया, एंडोमॉर्फिक, पिकनिक ये तीनों एक ही चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं एंडोमॉर्फिक को, इसलिए तीनों सेम है। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका अलग है क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का संबंध सेल से है एंड बाकी का संबंध सोमेटोटाइप में एंडोमॉर्फ के उपनाम से है। जैसे कि सोमेटोटाइप स्केल दिया था सेल्डन ने, और सेल्डन ने तीन बॉडी टाइप बांटा है, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक का उपनाम बिस्रोटोनिक एंड मेसोमॉर्फिक का उपनाम सोमेटोटोनिक एंड एक्टोमॉर्फिक का उपनाम सेरेब्रोटोनिक है, और जिसे हम पिकनिक भी कहते हैं एंडोमॉर्फिक को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे कौन अलग है, तो दोस्तों स्पॉजम, क्रैम्प, पुल, ये तीनों मसल्स की चोटें हैं, जबकि स्ट्रेस फ्रैक्चर जो है वो हमारे ओवर यूज से बार बार प्रयोग करने से हड्डी या जोड़ में बाल यानी लाइन आ जाता है, जिसे स्ट्रेस फ्रैक्चर बोलते हैं, ये हड्डी से रिलेटेड है इसलिए यह अलग है। एंड नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यानी कि यहाँ पे जो हमारा रोलम्बिक छल्ला होता है नीला पीला काला हरा लाल का पांच छल्ले होते हैं उससे रिलेटेड है, तो आपको पता ही है जो हमारा नीला है ब्लू है वह यूरोप महाद्वीप का प्रतीक है, पीला एशिया महाद्वीप का प्रतीक है, काला अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक है, हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक है, लाल अमेरिका महाद्वीप का प्रतीक है। ये पांचों छल्ले पांच महाद्वीप के प्रतीक हैं जो दुनिया की एकता को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन किसे रिलेटेड है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क जो है ये गलत हो जाएगा क्योंकि ब्लू चाइना दिया है जबकि ब्लू आपका अफ्रीका से संबंधित है, ठीक है। एंड यहाँ पर रेड, रेड किससे रिलेटेड है, यहाँ पे ऑड नंबर छाटना है तो यहाँ पे ग्रीन आपका ऑस्ट्रेलिया राइट है, ब्लैक आपका इथियोपिया यानी कि अफ्रीका राइट है, और रेड आपका हो जाएगा अमेरिका, जो ब्राजील दिया है अमेरिका के अंतर्गत आता है इसलिए राइट है। एंड नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, दोनों में से अलग कौन है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखना है कि कौन अलग है, तो 8 फीट जो है फुटबॉल के गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है, एंड 3 मीटर जो है, 3 मीटर किसी की ऊंचाई नहीं होती है, 2 मीटर जो है हैंडबॉल गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है, एंड 4 फीट
खो खो के पोल की ऊंचाई होती है जबकि 3 मीटर किसी की नहीं होती है। एंड नेक्स्ट है, फाइंड द फॉलोइंग विच वन इज आर्ट, चारों में से अलग कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे से चारों में से अलग है ऑप्शन नंबर ग 1.75 × 16 मीटर। उसके अलावा सभी आपके रिलेटेड हैं खो खो से। यहाँ पे 30 × 24 का मतलब है जो 30 सेंटीमीटर होता है वह जो सीटिंग ब्लॉक होता है, जो क्रॉस लाइन होता है जिसमें सब बैठते हैं, ठीक है, 8 खिलाड़ी जो बैठते हैं उसकी जो चौड़ाई होती है वह 30 सेंटीमीटर होती है। एंड एक पोल से दूसरे पोल की दूरी जो होती है 24 मीटर होती है। एंड जो क्रॉस लाइन से पहले जो पोस्ट लाइन होती है उसकी जो चौड़ाई होती है 2.55 × 16 मीटर होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जंप बॉल, थ्रो इन, टू फ्री थ्रो, ये तीनों के तीनों रिलेटेड हैं बास्केट बॉल से, जबकि कॉर्नर जो है आपका गलत है, यानी ऑड है, विषम है, या कॉर्नर जो है इसका संबंध फुटबॉल या हॉकी में रहता है। नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे अलग कौन है। तो यहाँ पे अलग है एडिडास, जो एक कंपनी है, स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और सभी का संबंध प्राचीन ग्रीस के देवी देवताओं से है, मार्स, नाइका, हेरा। एंड नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे कौन अलग है। तो यहाँ पे अलग है न्यूयॉर्क, उसके अलावा आपका अटलांटा, लॉस एंजिल्स, एस्टिल्यूट्स, ये सभी में ओलंपिक आयोजन हुआ है और इसमें नहीं हुआ है न्यूयॉर्क में। एंड नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे कौन सा आपका अलग है। तो यहाँ पे आपका मैक्सिको सिटी हाई एल्टीट्यूड, यानी मैक्सिको सिटी जो है हाई एल्टीट्यूड अधिक ऊंचाई पे प्रशिक्षण ओलंपिक हुआ था, जिसमें परेशानी हुआ था ऑक्सीजन की, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होती है जिसमें सांस फूलने लगता है। एंड ख है मैक्सिको सिटी फॉसबरी फ्लॉप, तो फॉसबरी फ्लॉप ने, डिक फॉसबरी ने हाई जंप की आधुनिक शैली फॉसबरी फ्लॉप टेक्निक की खोज किया था 1968 मैक्सिको सिटी में। एंड यहाँ पे हेलेंसकी पैरी ओब्रायन, हेलेंसकी फिनलैंड में पैरी ओब्रायन ने पैरी ओब्रायन टेक्निक को सबसे पहले प्रयोग किया था, जबकि यहाँ पे रोम हिचकिक आपका गलत है, अलग है, क्योंकि रोम हिचकिक स्टाइल जो लॉन्ग जंप की स्टाइल है, टेक्निक है, ये पहली बार प्रयोग में नहीं लाया गया और बाकी सभी पहली बार प्रयोग में लाया गया। नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे दोस्तों विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई, ये तीनों के तीनों रिलेटेड है वसा में घुलनशील है, जबकि विटामिन सी जो है आपका जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील कौन कौन होता है, विटामिन बी, सी और एच, एंड वसा में घुलनशील होता है ए, डी, ई, के। एंड नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे कौन अलग है। तो दोस्तों यहाँ पे फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, ये तीनों के तीनों जो है रिलेटेड है बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव से, रोगजनक से, जबकि एक्सीएल जो है हमारे अमाशय यानी स्टोमस में पाया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक अम्ल होता है और जो एक ज्वलन पूरा दहदहा रहा है, जल रहा है, जो हमारा भोजन जाता है अमाशय में, पेट में, तो उसमें जो भी बैक्टीरिया और खराब पदार्थ आते हैं उन सबको मार देता है और भोजन को लुगदी बना देता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे कौन सा अलग है। तो यहाँ पे अलग कौन सा है,
तो यहाँ पे बिब्लियोग्राफी, रेफरेंस, फुट नोट्स, ये तीनों के तीनों का संबंध शोध यानी रेफरेंस से है, जबकि कंटेंट का संबंध जो है आपका शोध यानी रिपोर्ट या टेस्ट मैटर या अन्य मैटर से है। नेक्स्ट है फाउंड द फॉलोइंग विच वन इज आर्ट, यहाँ पे जो है अलग कौन है, तो दोस्तों यहाँ पे मोड जो है ये केंद्रीय प्रवृत्ति माप के अंतर्गत आता है, और इसके अलावा ये तीनों जो है विचलनशीलता के माप के अंतर्गत आते हैं। एंड नेक्स्ट है फाउंड द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे अलग कौन है, तो दोस्तों यहाँ पे अलग है ऑप्शन नंबर घ, एन प्लस वन अपॉन टू, यह विषम है क्योंकि इसका संबंध मीडियन से है एंड इन बाकी का संबंध ए एंड एक्स एंड सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये तीनों के तीनों जो हैं आपके मीन से संबंधित हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फाउंड द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, चारों में से अलग कौन है, तो दोस्तों यहाँ पे जर्सी, सिनगार्ड, सपोर्टर, इन तीनों का संबंध है फुटबॉल से, जबकि एल्बो गार्ड का संबंध है क्रिकेट से। एंड नेक्स्ट है फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे अलग कौन है, तो दोस्तों यहाँ पे कुवैत सिटी जो है वह OCA ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का मुख्यालय है, इवर आनवर्ड जो है वह एशिया महा एशियन खेल का मोटो है, एंड अल फहद अल सबाह जो है OCA के अध्यक्ष थे। एंड यहाँ पे IOC अलग है क्योंकि यह इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी की गवर्निंग बॉडी को कहते हैं IOC, और सभी का संबंध एशियन गेम्स से है। एंड नेक्स्ट है फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यानी कि यहाँ पे विषम कौन है, यहाँ पे विषम है ऑप्शन नंबर क, यानी कि 4, 5, 6 रूप ब्लू गलत है क्योंकि इसका रंग पीला होता है, बाकी सभी सही है, यानी कि 2, 3, 7, 8 रूप ब्लू होता है, 1 और 9 ग्रीन होता है, 4, 5, 6 येलो होता है। एंड नेक्स्ट है फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे अलग कौन है, तो दोस्तों यहाँ पे अलग आपका कौन सा है आप आसानी से इसको देख सकते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सीयू जो है, सीयू शब्द है खो खो से संबंधित, खो खो का प्राचीन नाम है। इसके अलावा चौरंग, बिशप, फिडे, ये तीनों के तीनों शतरंज से संबंधित हैं, शतरंज का प्राचीन नाम चौरंग है, विषम इससे रिलेटेड है, अब फिडे जो है इसकी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करती है। एंड नेक्स्ट है फाउंड द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे कौन अलग है, तो यहाँ पे अलग आपको छाटना है, तो यहाँ पे देखना है कि आपका बैटल डोर जो है वह बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन का प्राचीन नाम बैटल डोर है, एंड बाकी का संबंध स्वदेशी खेल से है, ठीक है, यानी कि आट्या पाट्या, चतुरंग, कैलारी प्याटू, ये सभी स्वदेशी खेल हैं, भारत में ही जन्म हुए हैं। नेक्स्ट फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज आर, चारों में से अलग कौन है, तो दोस्तों यहाँ पे देखना है आपको कि रोहम बोइट, ट्रेपेजियस, लैटिमस डोर्सी, ये तीनों के तीनों हमारे पीछे पीठ पे होते हैं मसल्स, जबकि सेरेटस एंटीरियर जिसे हम बॉक्सर मसल्स कहते हैं, यह हमारे आगे की मांसपेशी है। नेक्स्ट है फॉर द फॉलोइंग विच वन इज आर्ट, यहाँ पे अलग कौन है, तो यहाँ पे देखना है कि अलग इसमें कौन है, तो यहाँ पे सोंधी जो है अलग हैं, जीडी सोंधी जो भारतीय हैं, जिन्हें एशियन खेलों का पितामह कहा जाता है, और बाकी सभी जो है अमेरिकन है, जो भारत में स्थित सारे शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य या निदेशक रहे हैं, जैसे मम्बी, एसी बक, बच्चन। एंड नेक्स्ट है फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज आर, यहाँ पे आपको देखना है कि कौन यहाँ पे अलग है, तो दोस्तों 8 सेकेंड रूल, 3 सेकेंड रूल्स, 24 सेकेंड रूल्स, ये तीनों बास्केटबॉल में होता है, एंड जबकि 6 सेकेंड रूल्स नहीं होता।
नेक्स्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज अर्थ अलग कौन है? तो दोस्तों आप जानते हैं यहाँ पे 4 kg जो है आपका डिस्कस का वजन होता है पुरुष का, एंड 7.26 kg शॉर्ट पुट यानी गोला फेंक का वजन होता है पुरुष का, एंड यहाँ पे 800 ग्राम भाले का वजन होता है पुरुष का, जबकि यहाँ पे 2 kg आपका दिया हुआ है, 2 kg आपका महिला से संबंधित है, महिला 2 kg किसका है, 4 kg यहाँ पे विषम है। कौन विषम है दोस्तों? यहाँ पे 4 kg विषम है, क्योंकि महिला इस स्पर्धा से संबंधित है, यानी कि महिला 60 फुट का वजन कितना होता है? 4 kg, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपका 4 kg विषम है। उसके अलावा 7.6 kg पुरुष 60 फुट का वजन होता है, 800 ग्राम महिला भाला फेंक का वजन होता है, एंड 2 kg पुरुष डिस्कस थ्रो का वजन होता है, ठीक है, यानी कि 4 kg महिला 60 फुट का वजन होता है, इसके अलावा सब पुरुष के वजन से रिलेटेड हैं, इसलिए आपका 4 kg अलग है। एंड नेक्स्ट है फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे अलग कौन है? तो दोस्तों सर्वाइकल बोन जो होती है गर्दन की वो 7 होती है, फेशियल 14 होती है, टीबिया 2 होती है, और यहाँ पे अलग कौन है? मेटा टार्सल, क्योंकि मेटा टार्सल दोनों पैर मिला करके 10 होगा, एक एक पैर में 5-5 होते हैं। एंड नेक्स्ट है फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज ऑड, यहाँ पे कौन अलग है? तो दोस्तों राइडर मसल्स एडक्टर मंगस को कहते हैं, राइट है, टेलर मसल्स सार्टोरियस को कहते हैं, जो हमारे शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है, सही है, एंड बॉक्सर मसल्स सेरेटस इंटीरियर को कहते हैं, ये भी सही है, बट यहाँ पे रोइंग मसल्स डेल्टॉइड को नहीं कहते, यहाँ पे रोइंग मसल्स जो है लैटिमस डोर्सी को कहा जाता है, डेल्टॉइड को लिफ्टर मसल्स बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे ये गलत है। एंड नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज आर, यहाँ पे देखते हैं रेटिना, स्क्लेरा, प्यूपिल, ये तीनों आँखों के भाग हैं, जबकि एलियोलर जो है यह त्वचा को मांसपेशी से जोड़ता है, एलियोलर जो है त्वचा को मांसपेशी से जोड़ता है, इसलिए यह अलग है। एंड नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज आर, यहाँ पे अलग कौन है दोस्तों? यहाँ पे जो हमारे टेस्ट होते हैं, किसी भी टेस्ट, अच्छे टेस्ट के लिए, परीक्षण के लिए, रिलेबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, नॉर्म्स, स्टैंडर्ड का होना आवश्यक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी को यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्कोर कहते हैं, MCQ कहते हैं, एंड यूनिफॉर्म स्कोर ऑफ ऑल जज कहते हैं, बट यहाँ पे अलग कौन है? यहाँ पे रिलेबिलिटी आपका अलग है, इसके अलावा सभी आपका वस्तुनिष्ठता यानी कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्कोर से संबंधित हैं, जबकि रिलेबिलिटी जो है एक कंसिस्टेंसी से संबंधित होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज आर, यहाँ पे अलग कौन है? उबेर कप जो महिला बैडमिंटन से संबंधित है, एंड थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है, एंड कोनिका कप बैडमिंटन से ही संबंधित है, जबकि मर्डेका कप आपका फुटबॉल से संबंधित है, इसलिए यह अलग है। एंड नेक्स्ट है फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज आर, यहाँ पे कौन अलग है? तो यहाँ पे अलग है शूटिंग, क्या है? शूटिंग यानी निशानेबाजी आपका अलग है, उसके अलावा बाकी सभी मनोरंजन की क्रियाएं हैं, फिश हंटिंग, मूवी एंड स्कूल पिंसिक, ये सभी मनोरंजन की क्रियाएं हैं। एंड नेक्स्ट है फॉर्म द फॉलोइंग विच वन इज आर, इसमें अलग कौन है? तो यहाँ पे T8 आपका गलत है, ठीक है, यहाँ पे T1, T2, T4 आपका राइट है, क्योंकि T8 विषम है, क्योंकि ये फॉल्स रिब्स में आते हैं, पसलियों में, बाकी सब ट्रू रिब्स में आती हैं। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 50 MCQ, आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, जो भी डाउट होगा क्वेश्चन उसमें कमेंट में बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए, और डेली बेसिस पे इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।